नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शुकुमार एक बार फिर हाजिर हूँ साइंस न्यूज के साथ, और आज बताने वाले हैं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत की एक नई उपलब्धि के बारे में कि आखिर भारत ने क्या कुछ नया खोजा है। जहाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत के खगोल विज्ञानियों ने विश्व को कितना कुछ दिया है, इसका तो इतिहास ही गवाह है। दरअसल प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में भी भारत के खगोल वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण खोज किए। वर्तमान समय की बात करें तो भारत के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं के अस्तित्व की खोज की थी, और इसी के बाद से भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में अहमदाबाद की PRL की एक टीम ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट खोजा है जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के आकार का 1.4 गुना है, जो एक एजिंग तारे की परिक्रमा कर रहा है, जिसका आकार सूर्य से 1.5 गुना ज्यादा है और यह सूर्य से 725 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। वहीं अगर बात करें नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स की, तो इनके वैज्ञानिकों की एक टीम ने रेडियो तारे के एक ऐसे दुर्लभ वर्ग की खोज की सूचना दी थी जो सूर्य से ज्यादा गर्म और इसका चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से मजबूत है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस पर जलता है, जबकि इसके कोर का तापमान इससे कहीं ज्यादा होता है। अब ऐसे में यह कल्पना करना निश्चय ही मुश्किल प्रतीत होता है कि कोई खगोलीय पिंड सूर्य से भी ज्यादा गर्म हो सकता है। लेकिन आप यह जानकर गर्व महसूस करेंगे कि बर्नाली दास के नेतृत्व में NCRA की एक टीम ने इस दुर्लभ श्रेणी के रेडियो स्टार से संबंधित 8 तारों की खोज की है जो वास्तव में सूर्य से ज्यादा गर्म है। साइंस न्यूज के अंदर अभी के लिए इतना ही। एक बार नई खबर के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।